अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात और मुंबई के बीच खेले जा रहे मुकाबले में एक बिन बुलाया मेहमान घुसाया जो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मुंबई की टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है और हार्दिक पांड्या अपने ओवर नंबर 3 करा रहे थे। इसी दौरान एक बिन बुलाया मेहमान मैदान में घुसा जिसको भगाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हार्दिक का जब तीसरा ओवर चल रहा था तब एक कुत्ता बिना बुलाए या यूं कहें पता नहीं कहां से मैदान के बीच में घुस आया और जहां पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे वहां तक वो पहुंच गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने उसको किसी तरह भगाया और काफी मशक्कत के बाद उसको मैदान से बाहर भेजा जा सका। वो जैसे ही मैदान पर आया कॉमेंटेटर से लेके फील्ड पर मौजूद खिलाड़ियों का रिएक्शन देखने लायक था। हर कोई हंस रहा था और कॉमेंटेटर्स तो कह रहे थे कि ये बिन बुलाए मेहमान पता नहीं किस तरह से मैदानों पर आ जाते हैं। इससे पहले और कई मैदानों पर भी बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं जहां पर डॉग्स हो चुके हैं, स्नेक्स हो चुके हैं और साथ साथ एक बड़ी लिजर्ड भी मैदान पर आती हुई दिखाई पड़ी। अमूमन ये होता रहता है कि मैदानों पर ऐसी चीजें हो जाए, पर एक कुत्ता मैदान पर घुस आए और वहां पर चूक हो जाए ये थोड़ा सा सवालिया निशान पैदा करता है क्योंकि ये कोई रेंगने वाला जानवर नहीं है। इसके बाद अब हो सकता है जांच वांच की जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से उसे भगाया उसके बाद जमकर सोशल मीडिया पर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर कराए हैं, अब तक 30 रन लुटा दिए हैं, सबसे महंगे गेंदबाज हैं अभी तक मुंबई इंडियंस की ओर से और आज टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बतौर कप्तान सबसे पहला ओवर भी उन्होंने किया। जसप्रीत बुमराह को तो काफी लेट बॉलिंग कराई गई जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी भी हुई है, लेकिन कप्तान है और कप्तानी पारी और कप्तानी गेंदबाजी करने की हम सब उनसे उम्मीद करते हैं। पर मैदान पर बॉस अभी भी शायद रोहित शर्मा ही नजर आ रहे थे क्योंकि हर बात पर वो हार्दिक पांड्या को सजेशंस दे रहे थे और उनकी राय हार्दिक पांड्या मान भी रहे थे। तो असल में बॉस मुझे लग रहा है रोहित शर्मा ही हैं अभी मैदान पर, लेकिन ये जो बिन बुलाए मेहमान घुसा ये जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। आपका क्या मानना इस खबर को लेकर और इस बिन बुलाए मेहमान को लेकर हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।